मुर्दों को सवाब बख्शने का सबसे आसान तरीका। बहुत सारे लोग जिनके घर वालों में से कोई दुनिया से रुखसत हो चुका है, मसलन कोई रिश्तेदारों में से, या वालिदैन या बहन भाई या कोई भी शख्स दुनिया से रुखसत हो चुका है, अब घर वाले ये चाहते हैं कि हम उसे कुछ पढ़ के बख्श दें, कुरान शरीफ बख्शना चाहते हैं, या बहुत सारी औरतें घर में 16 सूरा और 5 सूरा वगैरह पढ़ती हैं, तो वो जो बख्शना चाहती हैं तो वो किस तरह से बख्शें, उसका सबसे आसान तरीका क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने कोई चीज़ किसी के लिए पढ़ने का इरादा किया, आपने दिल में ये गुमान किया कि ये हम पारा पढ़ने जा रहे हैं या कुरान शरीफ पढ़ने जा रहे हैं, और आपका पहले से इरादा है कि ये हम फलां अपने मुर्दे के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका सवाब उसको मिले, तो ये आपने इस गुमान इस ख्याल से अगर कोई भी चीज़ पढ़ी है, कोई नेकी का काम किया है, तो वो सवाब उस तक पहुँच जाएगा। इसी सूरत से आपने 16 सूरा हो या पाकिस्तानी 5 सूरा हो, उसमें से कोई चीज़ें पढ़ी, कुछ दुआएं पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ी, कलमे तैयबा, जिक्र अस्कार, कुछ भी पढ़ा, और आपका गुमान ये है कि ये उसको पहुंच जाए, इस गरज से पढ़ा, तो आप जैसे ही उसको पढ़ेंगे फौरन ही उस तक सवाब पहुंच जाएगा। क्यों? हदीस पाक में आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। आपकी जो नियत है तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी नियत से बखूबी वाकिफ़ है। दूसरी चीज़ यह है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ें पढ़ी हुई मौजूद हैं, यानी कि पहले से हमारे पास 10 सूरह यासीन मौजूद हैं, सूरह रहमान मौजूद हैं, या कुरान शरीफ के कुछ पारे मौजूद हैं, दुरूद पाक कलमे तैयबा हमारे पास पढ़े हुए हैं, अब हम अपने उस पढ़ी हुई चीज़ों को किसी मुर्दे को बख्शना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या होगा? तो उसका तरीका ये होगा कि अगर आप 10 पारे या 10 सूरह यासीन या 10 कलमे तैयबा या कुछ भी पढ़ बख्शना चाहते हैं और आपके पास पहले से पढ़ा हुआ मौजूद है, तो आप हाथों को बुलंद करके अल्लाह तबारक व तआला से कहें कि परवरदिगार आलम, ये हमारे पास पढ़ा हुआ कुछ कुरान मुकद्दस है या हमारे पास ये जिक्र असकार जो हमने किया था वो है, ऐ अल्लाह इसका सवाब तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तो हमारे फलां फलां मुर्दे तक पहुँचा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला उस सवाब को जो आपने पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा मौजूद है, वो आपके मुर्दों तक पहुँच जाएगा। सबसे आसान तरीका यह हो गया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही हमारे सवाब को वहाँ तक पहुँचाता है, और अल्लाह हमारी नियतों को देख रहा है, अल्लाह हमारे दिलों के हालों को खूब अच्छी तरह से, अल्लाह हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ है। तो बहरहाल इतना जो मुश्किल दीन पेश किया जा रहा है कि भाई आपको उसके लिए किसी इमाम साहब को बुलाना पड़ेगा, कोई हाफिज़ साहब आएंगे वही बख्शेंगे, या आपके पास कुछ घर में आप जब बनाएंगे तो उस पर पढ़ा जाएगा तो ही पहुँचेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपके पास जो पढ़ा हुआ मौजूद हो, आप उसको बआसानी अपने मुर्दों तक वो सवाब पहुँचा सकते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि सबसे आसान और बेस्ट तरीका यही है कि अगर आपके पास पहले से पढ़ा मौजूद है, तो आप यूं अल्लाह से दुआ कर दें और कह दें कि अल्लाह ये हमने फलां फलां चीज़ें हमारे पास पढ़ी हुई हैं, इसका सवाब हमारे फलां मुर्दे तक पहुंचा दे, तो अल्लाह ताला सवाब पहुंचा देगा। और अगर आप पहले से इरादा कर लिया है कि भाई अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं और ये जो हम पढ़ेंगे ये सवाब उसके लिए होगा, तो फिर जैसे ही आप उसको मुकम्मल करेंगे वो सवाब आपके मुर्दे तक जिसे आप चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जो हमारे लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं मरहूम, उनके लिए खूब दुआएं करने की और खूब इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाएं। और अल्लाह तबारक व तआला जो लोग भी जो मुसलमान दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और मुसीबत में अजाब में मुब्तला हों, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अजाब से महफूज फरमाएं और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाएं। हम अलैना अल बलाग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।